मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। नशे का कारोबार, काजू बादाम डिब्बों में छिपाकर भेजा जाता था नशे की दवाइयाँ और अभी पर्दाफाश हुआ है और उगला है ये सब राज। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आपके लिए भी जानना काफी जरूरी है कि आखिरकार तस्कर किस तरीके से ये नशे जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं। शायद आज जो मैं नाम बोलने वाली हूँ आपके शहर का भी इसमें नाम बोलूं जहां पर ऐसे गिरोह मौजूद है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस एक्चुअली में एक पंकज व्यक्ति का नाम सामने आया है जहां पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में अन्य राज्यों में काफी सारी दवाइयां भेजी जाती थी। ये एक्चुअली में ट्रक के जरिए भेजी जाती थी जो कि एक मेवे जो रहते हैं मतलब काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनके जो सप्लाई किए जाते हैं उन डिब्बों में नशे की दवाइयां रखी गई थी। बोला जा रहा है कि ये जो नशे की दवाइयां है दिल्ली भेजा जाता था, राजस्थान भेजा जाता था, हरियाणा भेजा जाता था और भी काफी सारी जगह पर भेजा जाता था। सबसे ज्यादा डोज हाई हैवी डोज जो है वो पंजाब में सप्लाई किए जाते थे क्योंकि पंजाब में हैवी डोज की एक्चुअली में सबसे ज्यादा डिमांड थी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी पंकज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पंकज नाम के व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति है और वो भी यहाँ पर पंकज ही ये दवाइयां एक्चुअली में बनाता था अपने ही घर पे और सप्लाई किया करता था और ये दवाइयां लेके आने का मटेरियल लेके आने का काम पंकज की बीवी और उसके दोस्त की बीवी किया करती थी क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं करता था महिला होने के कारण। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चार गिरोह है जो उसके बारे में जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। एक है आगरा गैंग। आगरा गैंग जो है ये एक्चुअली में कमला नगर के कमला नगर रोड पे ये सब चीजें काम किया करता है जो कि पंजाब में नशा तस्कर करता है। और जयपुरिया गैंग जो है वो एक्चुअली में पंकज का जो गैंग है जयपुरिया गैंग है वो जयपुर में रहता है। जयपुर में ये अभी गिरफ्तारी की गई है और वो एक्चुअली में आगरा में ये सप्लाई करता है बड़ी तादाद में। और उसी के साथ मथुरा गैंग है, इसमें 20 से ज्यादा लोग जो है वो एक्चुअली में गैंग जो है वो शामिल हुए हैं और ये पंजाब में ये सब चीजें सप्लाई किया करते हैं और उसी के साथ इनका जो मुखिया है वो अभी जेल में है। उसी के साथ जो कानपुरिया गैंग है, कानपुरिया गैंग में भी काफी सारे लोग शामिल है और जयपुरिया गैंग का जो कि अनिल है, अनिल सीधा जो है वो पहले कानपुर गैंग के साथ ही काम किया करता था। ये एक्चुअली में कानपुर गैंग, मथुरा गैंग, जयपुरिया गैंग, आगरा गैंग ये ऐसे काम किया करते थे काजू बादाम के डिब्बों में दवाइयों को बना के। और सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो पंजाब में हरियाणा, दिल्ली अलग अलग जगह पर होती है और वहां पर सप्लाई किया जाता है और युवा पीढ़ी को लंगड़ा किया जा रहा है। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है। कीजिए जब एक्चुअली में आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एंटरटेन कर सकती हैं कुछ टाइम के लिए, बट ऐसा ही नहीं है कि अपने आप को पूरा ऐसी बड़े ड्रग्स दीजिए कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।